साल 2024 जिसको लेकर हर कोई जानना चाहता है कि उनकी राशि का राशिफल कैसा रहेगा, कैसा बीतेगा, क्या उसमें आपका व्यापार, कैसी आपकी सेहत रह सकती है। तो आज हम इसी बारे में एकदम विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं, मेष से लेकर मीन तक। देखिए, जब भी कोई नया साल आता है तो वो अपनी खूबियाँ और अपनी खामियाँ साथ में लेकर आता है। खूबियाँ और खामियाँ साथ में लाने का मतलब है कि अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, दोनों जान लेते हैं। मेष राशि से करेंगे शुरुआत। देखिए, मेष राशि के 11वें भाव में शनि गोचर करेंगे और लग्न में साल की शुरुआत में रहेंगे गुरु ग्रह। तो 1 and 11, इसे ज्योतिष में कहते हैं इच्छा पूर्ति का भाव। तो मेष राशि वालों के लिए ये साल जो है इच्छा पूर्ति का साल रहने वाला है। आपके लिए धन जो है उससे जुड़े अवसर आपको बहुत मिल सकते हैं। सिर्फ सेहत का ख्याल आपको रखना होगा, परिवार में माता या पिता का ख्याल रखना होगा, क्योंकि आपके 12वें घर से जो है राहु गोचर कर रहे होंगे। तो आपको घर में किसी की सेहत को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। राहु के उपाय करिएगा। आप ऐसा करिएगा कि चाय, गरीबों को चाय या कॉफ़ी जो है ज़रूर पिलाते हुए चलिएगा। ये राहु का एक ऐसा उपाय है जहाँ सेवा भी हो जाती है और राहु भी जो है शांत हो जाते हैं। और ख़ास तौर पे अगर भैरव बाबा को जो है हर बुधवार को आप मदिरा का जो भोग लगाएं तो वो भी आपके लिए जो है बहुत कारगर रहेगा। लिटिगेशन से बचने की ज़रूरत रहेगी, वो आप देखिएगा कि आप अपना पेपर वर्क बिल्कुल कम्प्लीट करके रखें। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। देखिए, वृषभ राशि मई के महीने में जो है गुरु ग्रह उनके लग्न में से गोचर करेंगे, 10वें भाव में शनि गोचर करते रहेंगे सारा साल। तो ये राशि, इसे कहते हैं ना कि ये यश प्राप्ति का साल होने वाला है वृषभ राशि वालों के लिए। जिस भी कार्य क्षेत्र में हो, ये मान सम्मान आर्थिक लाभ का साल है। तो मुझे लगता है कि वृषभ राशि वालों का अब तक का सबसे अच्छा साल यही रहने वाला है। सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना होगा कि प्रेम प्रसंगों में थोड़ी सी निराशा हासिल हो सकती है, वहाँ धोखा आ सकता है। तो लव रिलेशनशिप्स के लिए जो है वृषभ साल उतना कंड्यूसिव नहीं है। बच्चों का, अगर आप माता पिता हैं तो बच्चों का ज़रूर ख्याल रखिएगा, उनको लेकर निराश नहीं होना। उनकी सेहत का ख्याल रखिएगा, उनकी मनोस्थिति का ख्याल रखिएगा। ख़ास तौर पर मई तक बच्चों पर बिल्कुल प्रेशर मत डालिएगा स्टडीज़ का या किसी भी चीज़ का। बच्चे आज की एज में, आज के समय में पहले वैसे भी वक्त से ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं, जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। तो आप उनका ध्यान रख के चलिएगा, बच्चों का बचपना बरकरार रहना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम मिथुन राशि की। देखिए, मिथुन राशि जो है उनके मई के महीने में गुरु जो हैं साल के उनकी राशि के कुंडली के 12वें भाव में से गोचर करेंगे और शनि जो है 9वें भाव में से गोचर करेंगे। तो मिथुन राशि वालों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, बहुत सारे कहते हैं ना कि फल लेकर आ रहा है, बहुत सारी सफलता लेकर आ रहा है, क्योंकि उनको उससे मुनाफा होने वाला है, फ़ायदा होने वाला है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल से। तो अगर आप व्यापार करते हैं और आप अब्रॉड से गेन करना चाह रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से गेन करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल आपको मिल सकता है। बाहर रहने वाले रिश्तेदारों से हो सकता है कि आपको कोई सपोर्ट मिले, स्पॉन्सरशिप मिले, ख़ासतौर पर उन बच्चों के लिए जो बाहर जाना चाह रहे थे। पढ़ाई के लिए 2024 बहुत अच्छा है, लेकिन कार्यस्थल पे कुछ बड़े बदलाव आपको अप्रैल से मई के महीने में वो भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि शनि अपना नक्षत्र बदलेंगे। तो कार्यस्थल पे बहुत कुछ बदल सकता है, अज्ञात शत्रुओं से सावधान। कार्यस्थल पे चलते हुए साल की शुरुआत में जो है सेहत पे थोड़ा ध्यान देते हुए चलेंगे, वाद विवादों से बचेंगे। जनवरी से लेकर मार्च तक का महीना तो मिथुन राशि वालों के लिए भी 2024 जो है एक बेहतरीन साल होने वाला है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। देखें, कर्क राशि जो है इनके 8वें भाव से शनि गोचर कर रहे हैं और 9वें भाव से राहु गोचर कर रहे हैं, 11वें भाव में गुरु जाएंगे, अभी 10वें भाव में चल रहे हैं। तो कर्क राशि वालों की अगर बात करी जाए 2024 इनके लिए भी एक बहुत खुशनुमा साल है, प्रोवाइडेड आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। परिवार में आपको इनहेरिटेंस यानी कि परिवार से कोई संपत्ति, कोई गिफ्ट आपको बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन ये सब तभी संभव है जब इस तरह की परिस्थितियाँ आपके जीवन में पहले से ही बनी हुई हो और ऐसा कोई विचार चल रहा हो। माता का खास तौर पे कर्क राशि वालों को ध्यान देना है, माता की सेहत का ध्यान देना है। वहाँ थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं माता या पिता की सेहत से संबंधित अगर हैं तो। बाकी जो है ये बहुत बड़े बदलाव लेकर कर्क राशि वालों के लिए पॉजिटिव बदलाव लेकर आ रहा है। आप घर बदल सकते हैं, नौकरी में जॉब के नए अवसर मिलेंगे जो कि पहले से ज़्यादा स्टेबल होंगे।
अब चलते हैं अगली राशि की ओर, और अगली राशि है हमारी सिंह राशि। जी हाँ, देखिए सिंह राशि जो है 1 मई को गुरु इनके 10वें भाव में आने वाले हैं, जो कि मान सम्मान प्रतिष्ठा की राशि है, और शनि इनके 7वें भाव में गोचर करेंगे। यश प्राप्ति से कोई इन्हें रोक नहीं सकता। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो ये साल आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। कई बड़े बदलाव लेकर आ रहा है, लेकिन कई चीज़ों से जो है आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, और वो है अज्ञात शत्रु, क्योंकि 8वें भाव का राहु है, तो अज्ञात शत्रु, गुप्त परेशानियाँ ये सिंह राशि वालों को देगा। बनते बनते काम अचानक से रुक सकते हैं, धीमे रहेंगे, संघर्ष का साल रहेगा। पति पत्नी के जो संबंध हैं उसमें थोड़ा सा निराशा आ सकती है। देखिए शनि जब 7वें भाव से जाता है तो कहीं ना कहीं निराशा आती है। अगर निराशा नहीं आती है, संबंध में अनबन नहीं होता है, तो कार्य की वजह से ही पति पत्नी को अलग अलग रहना पड़ता है। वो स्थिति आपकी जो है थोड़ी सी बन सकती है, उसको आपको ध्यान देना होगा। स्थान परिवर्तन के योग फिर से बन रहे हैं, लेकिन लाभ के लिए बन रहे हैं। इस साल अगर आप धैर्य रखेंगे, मेहनत करेंगे, तो साल के अंत तक आपके लिए बहुत सारी सफलता आने वाली है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। देखिए साल 2023 में कन्या राशि वालों ने पहले ही बहुत बड़े परिवर्तन अपने जीवन में देखे हैं, लेकिन साल 2024 उनके लिए सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगा। आपको मई के महीने तक थोड़ा सा सावधानी से चलने की ज़रूरत ज़रूर रहेगी संभवतः, लेकिन मई के बाद जैसे ही गुरु आपके 9वें भाव में आएंगे, आपकी स्थितियां पहले से बेहतर होंगी। आप धन भी संचित कर सकेंगे और आपको कार्य से जुड़े नए अवसर भी मिलेंगे। बात सिर्फ इतनी है कि आपके लग्न में से केतु और आपके 7th हाउस में जो है राहु गोचर कर रहे हैं, तो आपको ये देखना होगा कि पति पत्नी में कोई मनमुटाव, कोई दूरियां किसी तरह की पैदा ना हो, क्योंकि ग्रह ऐसे लगे होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट्स तोड़ते हैं। अब चाहे वो शादी, जो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे ईश्वर बना के भेजता है, वो हो, या वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट, फॉर्मल पार्टनरशिप जिसे कहते हैं, वो कार्य से जुड़ी हो, तो अगर कोई निराशा है और उसे संभवतः ठीक किया जा सकता है, आप उसको ठीक करने की कोशिश करिएगा, लेकिन उसको तोड़ने की कोशिश मत करिएगा। सिर्फ मई तक का धैर्य रखना है, उसके बाद चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर हैं, बहुत खुशनुमा हैं। अब चलते हैं अगली राशि की ओर, और अगली राशि है तुला राशि। देखिए तुला राशि के 12वें भाव में से केतु गोचर कर रहे हैं और 6ठे भाव में से राहु गोचर कर रहे हैं, जहाँ पर आपके लिए कार्य से जुड़े यानी जॉब में अगर आप हैं तो बहुत सारी सफलता आने वाली है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। अगर आप अपने परिवार के साथ नहीं रह पा रहे थे, तो अब संभवतः आपके हालात ऐसे हो सकते हैं कि आप अपने परिवार के साथ रह सकेंगे, उनको अपने पास रख सकेंगे, या किसी तरह से परिवार से जुड़ सकेंगे। इस तरह के अच्छे सकारात्मक ग्रह आपकी कुंडली में दिखते हैं। सिर्फ प्रेम प्रसंग अगर आपका है, अगर आपकी पार्टनरशिप या जो प्रेम संबंध है वो लीगल नहीं हुआ है, वहाँ पे आपको कुछ निराशा हो सकती है, कुछ आपको ऐसा महसूस हो सकता है जो कि ठीक नहीं है। इस साल अगर आप ध्यान से चलेंगे तो अगले साल तक ये पार्टनरशिप टिक सकती है। देखें धैर्य ऐसी चीज़ होती है जो रखी जाती है ना, तो रिश्ते बहुत लंबे समय तक चलते हैं। और अगर धैर्य नहीं है, हमें पता है कि रिश्ते में जो कड़वाहट है वो ग्रह प्रभाव की वजह से आ रही है, तो हम वो समय थोड़ा शांत रह सकते हैं, लेकिन अगर उसी कड़वाहट में किसी की सच्चाई सामने आती है तो उसे नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। सारे आपके जो फैसले होते हैं बहुत वास्तविक रहकर और बहुत ही प्रैक्टिकल रहकर आप वो सभी फैसले लेंगे, तो 2024 आपके लिए सफलता लेकर आ रहा है तुला राशि वालों के लिए। अब बढ़ते हैं हम अगली राशि की ओर। देखिए अगली राशि हमारी आती है वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि के साथ अच्छी बात यह है कि मई के महीने में गुरु आपके 7वें भाव में आ रहे हैं। 7वें भाव जो होता है यश प्राप्ति का साल होता है। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो इस साल आप नाम कमा सकते हैं। सिर्फ एक बात आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि 4थे भाव में आपके शनि गोचर कर रहे हैं। देखें 2023 में बड़े परिवर्तन वैसे भी आपके जीवन में अब तक आ चुके होंगे, लेकिन 2024 आपके लिए बेहतर परिवर्तन लेकर आएगा। सिर्फ आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि शनि जो ग्रह हैं वो अच्छी चीज़ भी आपके जीवन में लेकर आते हैं ना, तो धीमे धीमे लेकर आते हैं। जैसे आपने एक घर खरीदा, लेकिन उसको खरीदने का प्रोसेस ही
एक साल लग गया उस प्रोसेस को खरीदने में, उस घर को खरीदने में, या फिर इस तरह होता है कि आपने घर बेच दिया और अब नया घर मिल नहीं रहा, तो उस बीच में आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़े। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, शनि हर चीज़ को देते हैं स्थायित्व के साथ देते हैं, क्योंकि जब इतनी धीमी धीमी चीज़ मिलती है तो वो लंबे समय तक टिकती है हमारे जीवन में। अगर वृश्चिक राशि वाले संघर्ष के साथ मेहनत करते हुए चलेंगे तो 2024 उनके लिए बहुत अच्छा साल है। अब बात करते हैं धनु राशि की। साल 2024 धनु राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है? देखिए, अगर हमें पहले से पता हो कि साल में हमारे सामने क्या आने वाला है तो हम अपनी तैयारी को बहुत पुख्ता और पक्का रख सकते हैं, जिसके द्वारा हमें दिक्कतें जो हैं बहुत कम होती हैं और चीज़ें जो है बहुत स्मूथली, बड़े आसानी से धीमे धीमे जो है घटित होते हुए चलती जाती हैं। बात आती है धनु राशि के दसवें भाव की। अगर हम करें देखें, इस साल जो है चौथे और दसवें भाव में राहु केतु गोचर कर रहा है। अगर आप उम्र के उस पड़ाव में हैं जहां आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, स्थान परिवर्तन हो सकता है या आपका कार्य परिवर्तन हो सकता है, जॉब चेंज या ट्रांसफ़र के जो है बहुत स्ट्रॉन्ग योग हैं 2024 में। आय के स्रोत बिल्कुल पक्के रहेंगे, सिर्फ माता या पिता की सेहत को लेकर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि देखें तीसरे भाव में शनि गोचर कर रहे हैं, तो शनि जब तीसरे भाव में होता है तो पराक्रम में थोड़ी कमी करता है, क्योंकि आपके मन के अंदर थोड़ा सा भय भरता है। वो थोड़ा सा भय को आप छोड़ दें, आप उसको ना ध्यान रखते हुए आप पूरी मेहनत करें और डरे नहीं, क्योंकि आपको पता है ना कि ये तो गृह प्रभाव आ रहा है, इसका मतलब रैश डिसीजन नहीं लेना लेकिन डरना भी नहीं है। तो आप जो है धैर्य बना के अगर चलेंगे धनु राशि वाले, तो साल 2024 उनके लिए बहुत अच्छा जा सकता है। छठे भाव में गुरु ग्रह हैं, सेहत का आपको अपनी भी बखूबी ख्याल रखना है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल और हायर एजुकेशन के लिए साल 2024 बहुत अच्छा है। अब चलते हैं अगली राशि की ओर। देखिए, अगली राशि हमारी है मकर राशि, और मकर राशि वालों के लिए ये साल बहुत खूबसूरत जाने वाला है। देखें, मकर राशि वालों के दूसरे भाव में शनि गोचर कर रहे हैं और तीसरे भाव में राहु गोचर कर रहे हैं, तो 2 और 3 शनि और राहु का होता है, और उसके बाद साल के मध्य में मई में वो नक्षत्र लेवल पे जो है आपस में युति भी बना लेंगे। तो आपको इतना ध्यान दे के रखने की ज़रूरत है कि सेहत का आप बहुत ख्याल रखें। बड़े बदलाव मकर राशि वालों की ज़िंदगी में लेकर आ रहा है, आपकी वैल्यू सिस्टम जो है वो चेंज हो सकती है, आपको अपनी वाणी जो है वो विनम्र रखनी है, किसी से दिल दुखाने वाली बात ना कहें। देखें, क्योंकि जब दूसरे भाव में शनि होता है तो कोई ना कोई सत्य भी इस तरह से बोलता है कि सामने वाले को वो दिल दुखा सकता है, और सत्य को भी अगर आप प्यार से बता सकें, किसी के दिल तक अपनी बात पहुंचा सकें, तो उससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता। वो इंसान बहुत कामयाब होता है जो कड़वी से कड़वी बात को भी बड़ी सरलता से, बड़ी सहजता से, बिना कड़वा बनाए कह जाता है। तो आपको अपनी वाणी पे ध्यान रखना है, निराश नहीं होना है, थोड़ा सा मैच्योरिटी और कहीं पाठ लेकर ये साल आपके लिए आएगा। लेकिन कार्यस्थल पर भी आप बहुत अच्छा करेंगे, और देखा जाए पांचवें भाव में गुरु है तो धन लाभ के जो है मकर राशि वालों के लिए इस साल बहुत अच्छे योग हैं। जॉब में चेंज हो सकता है लेकिन फॉर दी बेटर, और वो होगा मई महीने के बाद, या मई महीने से ही आप जो है देख लेंगे जो पॉजिटिविटी है, सकारात्मक असर है आपके जीवन में। अब बात कर लेते हैं अगली राशि की। अगली राशि है कुंभ राशि। देखिए, कुंभ राशि के लग्न में से शनि जा रहे हैं और 2023 में आप बहुत बड़े बदलाव पहले ही देख चुके हैं। शनि जो है आपकी सेहत से या आपके परिवार में कोई बहुत बड़ा बदलाव लेकर पहले ही आ चुके होंगे, लेकिन 2024 आपके लिए जो है एक बेहतरी की ओर जाता हुआ साल दिखता है। दूसरे भाव में राहु है, चौथे भाव में जो है गुरु गोचर करेंगे मई के महीने में, तो ये साल तब आपके लिए जो है बहुत यश प्राप्ति का साल लेकर आता है। आपको कार्य से जुड़े मई से जो है बहुत अच्छे अवसर मिल सकते हैं, और परिवार में कुछ अच्छे और बड़े बदलाव हो सकते हैं। सिर्फ आपको अपने लिटिगेशंस, अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स, उनका ख्याल रखना है, पेपर्स वर्क अपना पूरा करके चलें, कोई ऐसा काम ना करें जो आपको किसी ट्रबल में डाल दे, और अज्ञात शत्रुओं से सावधान, और खाने पीने की आदतों में चाय कॉफ़ी और अल्कोहल, शराब या मदरा जो है इसको अवॉइड करें, क्योंकि राहु दूसरे भाव में है तो ईटिंग हैबिट्स को बहुत डिस्टर्ब कर देता है। सेहत का ख्याल रखना है, स्थान परिवर्तन के भी योग हैं।
अब चलते हैं अगली राशि की ओर, और अगली राशि है हमारी मीन राशि। देखिए मीन राशि वालों के लिए भी जो है उनके लग्न में से राहु और सप्तम भाव में केतु गोचर कर रहे हैं और उनके 12वें भाव में से शनि गोचर कर रहे हैं। देखिए साल 2024 आपके लिए या तो स्थान परिवर्तन लेकर आया था, या हो सकता है कि किसी प्रॉपर्टी से कोई आपकी एक इनकम कम हो गई हो, लेकिन साल 2024 उस इनकम को मई के महीने के बाद जो है कुछ पूरा करता हुआ दिखता है। आपको अपने वैवाहिक जीवन में, अगर आप शादीशुदा हैं, तो थोड़ा संभल के चलने की ज़रूरत है, डेडिकेटेड रहने की ज़रूरत है। आप अपने पति या पत्नी से या तो मोह भंग होने के योग बनते हैं, या फिर आप उनको छोड़ के आपको कार्य के लिए कहीं और जाना पड़े, क्योंकि देखिए सातवां और बातवां भाव जब होता है तो स्थान परिवर्तन का होता है। आप अब्रॉड अगर जाने की सोच रहे थे तो आप जा सकते हैं किसी नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, अच्छे काम के लिए। जो भी परिवर्तन आता है अच्छे काम के लिए आता है। पत्नी या पति का आपको अपनी ज़रूर ध्यान रखना है, उनकी सेहत का ध्यान रखना है। साल 2024 जो है मीन राशि के लिए जो गुरु ग्रह होंगे वो उनके तीसरे भाव में गोचर करेंगे, अभी दूसरे भाव में है, तो ये चेंज ऑफ जॉब का भी जो है आपके लिए, या चेंज ऑफ फील्ड, आपका डिपार्टमेंट चेंज हो, लेकिन फॉर द गुड, क्योंकि राशियाँ हमारे पास बहुत अच्छी हैं, तो आपको हर जगह से बुरे भाव में से भी अच्छा फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। मीन राशि वालों के लिए साल 2024 जो है खुशियां लेकर आ रहा है।